आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में हम आपको मेगर से मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध मापना याद करना सिखाएंगे। मेगर क्या होता है? मेगर एक इंसुलेशन टेस्टर होता है। इससे अपन केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध, मोटर की वाइंडिंग का प्रतिरोध, चालक प्रतिरोध की क्षमता माप सकते हैं। अब अपने पास दो मेगर है। ये जो मेगर है ये हैंड ऑपरेटेड है, हाथ से चलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है इसको, और ये स्विच ऑपरेटेड है। ये स्विच से ऑपरेट होता है, ये हाथ से घुमाकर इसको ऑपरेट किया जाता है। इन दोनों मेगरों में अंतर क्या है? इससे अपन कोई भी इंसुलेशन प्रतिरोध मापेंगे और इसको चलाएंगे तो इसको हाथ से घुमाना पड़ता है। हाथ से घुमाएंगे और इस पर दो टर्मिनल होते हैं, एक तो होता है एल और एक होता है ई। एल का मतलब लाइन और ई का मतलब अर्थ। अब इन दोनों को आपस में टच करेंगे और इसको घुमाएंगे तो क्या विक्षेप दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहे हैं? जीरो। ये शॉर्ट हो गया, इसमें प्रतिरोध नहीं है। अब ई की जो कैपेसिटी है वो जीरो से लेकर अनंत होती है और ये हमेशा इंसुलेशन प्रतिरोध का मान मेगा ओम में दर्शाता है। दोनों मेगर, मेगर कोई भी हो उसका मान किसमें होता है? मेगा ओम में। ये भी मेगा ओम में दर्शाएगा, ये भी मेगा ओम में दर्शाएगा। इसको हाथ से घुमाना पड़ता है, इसका स्विच दबाना पड़ता है। अब दोनों से अपने इस मोटर का इंसुलेशन प्रतिरोध माप कर देखेंगे कि कितना इसका इंसुलेशन प्रतिरोध है। हमेशा कोई भी केबल हो, कोई भी तार या चालक हो, उस पर जो पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा होता है, चालक इंसुलेशन चढ़ा होता है, उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगर अनंत से कम प्रतिरोध आता है तो वो चालक काम में लेने योग्य नहीं। अब आज के प्रैक्टिकल में हम ये एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इसका वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध माप के देखेंगे। पहले अपन ये स्विच वाले मेगर से, उसके बाद में हाथ से चलने वाले मेगर से मापेंगे। चलो दिख रहे हैं मेगर, ये मेगर कौन सा है? स्विच ऑपरेट। इसमें ये तो होता है इसका पुश बटन स्विच, इसको दबाएंगे तो ही काम करेगा, इसमें बैटरी लगती है। ये होता है इसका फ्यूज, ये होता है लाइन का टर्मिनल, ये होता है अर्थ का टर्मिनल। अब अर्थ और लाइन को आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करो इसको, कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो रीडिंग दिखा रहा है जीरो। अब ये मोटर अपने पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। अब इसकी वाइंडिंग का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना हो तो किस हिसाब से करोगे आप? ये मीटर, इसमें तीन वाइंडिंग होती हैं, वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी और वाइंडिंग सी। अब पहले तो प्रत्येक वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे कि ये वाइंडिंग अलग अलग है या कॉमन है। कोई बटन दबाओ, ये है पुश बटन। ये दो टर्मिनल ए की वाइंडिंग के, दूसरी वाइंडिंग पर कनेक्ट करेंगे और पुश बटन को ऑन करेंगे। देखो विक्षेप जीरो आ रहा है। ये भी दूसरी वाइंडिंग हो गई, अब ये तीसरी वाइंडिंग है, इसका विक्षेप ये भी जीरो आ रहा है, दिख रहा है ना मीटर में। अब इंसुलेशन प्रतिरोध कैसे मापना आपको? ये अलग अलग वाइंडिंग हो गई, अब एक तो ये वाइंडिंग के सिरे और दूसरी वाइंडिंग के ये दो सिरे। अब इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। दबाओ बटन, अनंत आ रहा ना, तो इसका मतलब वाइंडिंग ए और वाइंडिंग बी के बीच का प्रतिरोध कितना है? अनंत, और अनंत ही होना चाहिए। ठीक
फिर वाइंडिंग बी और वाइंडिंग सी, एक वाइंडिंग बी के टर्मिनल पर लगाएंगे और दूसरा वायर सी वाइंडिंग के किसी भी एक टर्मिनल पर लगा देंगे। अब पुश बटन स्विच को दबाएंगे तो इसकी रीडिंग भी अनंत ही दिखा रहा है। ये हो गया इंसुलेशन टेस्ट। अब देखेंगे प्रत्येक वाइंडिंग बॉडी से कनेक्ट करके, ये वाइंडिंग ए है और ये वाइंडिंग बी है। ए वाइंडिंग लेंगे पहले, एक सिरा वाइंडिंग के टर्मिनल पर, दूसरा इसकी बॉडी पे। अब बटन स्विच दबाएंगे तो इसमें प्रतिरोध अनंत आना चाहिए, जो अनंत ही आ रहा है। अगर विक्षेप जीरो दर्शाता है तो ये मान लेना कि ये वाइंडिंग कहीं से शॉर्ट है, इसका प्रतिरोध जीरो है, अनंत आ रहा है ना। इसी प्रकार बारी बारी से प्रत्येक वाइंडिंग पर क्या करेंगे, ये टेस्ट करें। इसमें भी अनंत आ रहा है और इस टर्मिनल का भी अनंत आ रहा है। आ गई बात समझ में? किसी भी प्रकार की मोटर हो, जनरेटर हो, इसी प्रकार वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, दो वाइंडिंगों के बीच का प्रतिरोध होना चाहिए अनंत। आ गई बात समझ में?